हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के सीज़न 2 एपिसोड 5 में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा युग परिवर्तन के बारे में, कल की अवतार के बारे में, कैसे कुछ सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि ये सब युग परिवर्तन का है और कल की अवतार इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। आज हम बात करेंगे उस विलन की, उस राक्षस की, कली पुरुष की, जो हर धर्म में वर्णित है, चाहे अलग नामों से। इस्लाम में दज्जाल, क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट, हिंदुइज्म में कली पुरुष, कैसे उसका वर्णन है कि वो दुनिया में आके क्या करेगा, और कैसे ये सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि कली पुरुष भी दुनिया के सामने कुछ ही सालों में आने वाला है। अगर हम कुछ कॉमन फीचर्स देखें कि क्या कली पुरुष के कॉमन फीचर्स डिस्क्राइब्ड हैं हर धर्म में, तो सबसे पहली बात, ये अपने आप को मसीहा घोषित करेगा। ये दुनिया के सामने ऐसा दिखाएगा कि इससे अच्छा दीन पर चलने वाला कोई इंसान नहीं है। जैसे रावण एक टीकाकार पंडित था, उसने टिप्पणी करता था चारों वेदों की, उसी तरह से ये अपने धर्म का कट्टर होगा। एक सीरीज तक, मतलब इवेंट्स तक जाते जाते ये वेलफेयर वर्क्स करेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट दिखाएगा दुनिया को कि मेरे से अच्छा दुनिया के बारे में सोचने वाला तो कोई है नहीं। और एक टाइम के बाद ये अपने असली रंग दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये घोषित करेगा कि मैं भगवान हूँ, जो इंसान मुझे पूजेगा वो इस दुनिया में रह सकता है, बाकी सबको ये ख़त्म करना चाहेगा। तो अगर हम सोचेंगे कली का पार्ट ऑफ प्लान है, क्या चाहता है कली पुरुष, इसकी शुरुआत होती है महादेव के वो रिमेनिंग विश से, जिसके ड्रॉप से ये कली पुरुष का जन्म हुआ। और इसका सिर्फ एक प्लान है, इस मानवता पर, इस दुनिया पर राज करना, जिसके लिए चाहे हम इल्यूमिनाटी कहें, चाहे हम फ्रीमेसन्स कहें, ये सीक्रेट सोसाइटीज काम कर रही हैं। और जो इंसान भी एक डिस्टॉर्टेड पीस ऑफ माइंड के साथ इस दुनिया में जी रहा है, जो इंसान भी मटीरियलिज्म का शिकार है, जो इंसान भी एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जी रहा है कल की अवतार के बारे में, वो सब इसके फितने में फंसेंगे। क्योंकि ये नॉर्मलाइज कर देगा हर उस मटीरियलिस्टिक चीज़ को कि इंसान तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, लोग तो इसे पूजने लग जाएंगे। और जैसे राम वर्सेस रावण था, कृष्ण वर्सेस कंस थे, वैसे ही कल्कि वर्सेस कली है, जो आज के समय में अपना सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से एस्टेब्लिश कर चुका है कि वो चाहता है कि लोग कल्कि अवतार को पाखंडी समझें और उसको भगवान। अगर हम इस सब को हिंदुइज्म के लेंस से देखें, तो हिंदुइज्म में 31 कलाएं वर्णित है कली पुरुष की, और वो इन सभी 31 कलाओं का यूज़ करेगा ह्यूमैनिटी को, इंसानियत, मानवता को कल्कि अवतार के खिलाफ खड़ा करने में। क्योंकि जो भी कल्कि अवतार की गाइडलाइंस हैं, जो भी उनके साथ जुड़ने की गाइडलाइंस हैं, ये उन सब को भ्रष्ट करेगा। इसके मेन हथियार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन माया, अहंकार। और कैसे, अगर हम काम की बात करें तो वेब सीरीज़ के नाम पर सॉफ्ट पोर्न सर्व किया जा रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ पोर्न, जो आज नॉर्मलाइज कर दिया गया है इंडिया में भी। अगर हम क्रोध की बात करें, कैसे ये रेशियल हेट्रेड फैल रही है, कैसे ये कॉम्युनल हेट्रेड फैल रही है, वॉर्स चल रही हैं। अगर हम मोह लोभ की बात करें, कैसे ये कॉरपोरेट सेक्टर का जो वेस्टर्न सोसाइटी लेकर आई है, शिकार बना लिया गया है सब यूथ को। 9 to 5 के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, उसके पास समय ही नहीं है किसी धर्म के बारे में सोचने का, किसी भगवान के बारे में सोचने का। कैसे माया के चक्कर में हथियार होगा कैपिटलिज्म, कैसे एक वेस्टर्न कल्चर ने हम पर कैपिटलिज्म थोप दिया है, कैसे वो ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, एक हैप्पी लाइफ जीनी है, तो तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। धर्म, भगवान, आफ्टर डेथ को एक मजाक बना कर रखा है इस सोसाइटीज़ ने। और कैसे पूरी की पूरी सोसाइटीज़, चाहे हम उन्हें इल्यूमिनाटी कहें, फ्री मेसन्स कहें, इस कली के पार्ट ऑफ प्लान पे काम करती हैं।
रिसर्च कीजिए ये नेटफ्लिक्स इफ़ेक्ट क्या है, कैसे वो चीज़ इस दुनिया में चलती है जो ये सोसाइटीज़ चलाना चाहती हैं। मल्टीमीडिया इस कली पुरुष का बहुत बड़ा हथियार होगा। इस सब चीज़ों से, इन सब अपने हथियारों से कली पुरुष सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि ये सब मानवता, ये सब लोग उसके साथ खड़े हों, इन चीज़ों का प्रयोग कर इन मटेरियलिज्म का शिकार होकर और सब कल की अवतार के खिलाफ खड़े हों। वो पखंडी समझे कल के अवतार को और भगवान समझे कली पुरुष को। अगर हम इसे इस्लाम के लेंस से देखें तो इस्लाम में इसका वर्णन है दज्जाल के बेसिस पर। दज्जाल जिसका मतलब है झूठ का बाप, कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था खड़ी करेगा, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिसके अंदर एक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फासिक और फाजिर इंसान को नेक समझा जाएगा और नेक इंसान को बुरा। कैसे आज एक इंसान जिसके पास पैसा है, जिसके जो इन सब चीज़ों में लिप्त है जो हमारे धर्मों में प्रोहिबिटेड है, उसको एक हायर क्लास का समझा जाता है और एक दूसरा इंसान जो अपने दीन का पक्का है उसे एक लो सोसाइटी, पुरानी सोसाइटी का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल के एक हाथ में जहन्नुम होगी, एक हाथ में जन्नत। जो जन्नत होगी वो असलियत में जहन्नुम होगी और जो जहन्नुम होगी वो असलियत में जन्नत। अगर आज के कंपैरिजन में इसे हम समझें तो कैसे एक आज के मिलेनियल को, मटेरियलिस्टिक इंसान को क्या चाहिए? अनलिमिटेड पोर्न एक्सेस चाहिए, अनलिमिटेड ड्रग्स चाहिए, चाहे हम LSD की बात करें, मैरिजुआना की बात करें। ये अनलिमिटेड पैसा चाहिए जो कैपिटलिज्म का शिकार बना रहा है, जो आज के इंसान को जन्नत लगता है पर वो असलियत में जहन्नुम है। और जो आज के इंसान को जहन्नुम लगता है कि वो धर्म का पक्का हो, वो अपने 5 senses को प्लेजर करने के बजाय अपने दीन का पक्का रहे, धर्म पर अपनी ज़िंदगी जिए, उसे आज एक जहन्नुम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम आंखें बंद कर जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि वो तुम्हारी असली जन्नत होगी। और अल्लाह के नबी ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास इररेजिस्टिबल चार्म, वेल्थ और नॉलेज होगी। पूरी की पूरी कौमें उसके पीछे भागेंगी, पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ उसके पीछे भागेंगी, स्कॉलर्स उसके पीछे भागेंगे कि जो ये इंसान कर रहा है, कैसे ये करामात दिखा रहा है। और पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन इंसान उसे जान पाएगा, जो इंसान अपने दीन पर, अपने धर्म पर पक्का है। अगर आपने PhD करी है पर आप अपने दीन पर पक्के नहीं है तो आप उसके डिसेप्शन में लिप्त हो जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में इसका डिस्क्रिप्शन है एंटी क्राइस्ट के तौर पर, जो इंसान एक फॉल्स मसीहा होगा, वो अपने आप को घोषित करेगा कि मैं मसीहा हूँ, मैं दुनिया का उद्धार करने आया हूँ। और कैसे वो अपने असली रंग दिखाएगा कुछ समय बाद। ये सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी में जो बिलीव कर रहे हैं कि ये टाइम है जीसस सेकंड कमिंग का, इस समय आने वाले कुछ सालों में ही एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आने वाला है। और क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है होली बाइबल में कि वो इज़राइल से होगा। और ये रिसर्च कर कर आपको पता लगेगा कि सिर्फ एक कम्युनिटी अपने धर्म की कट्टर है पूरी दुनिया में, वो होते हैं ज्यूज़, जो अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही ये याद दिलाना, ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा मसीहा आने वाला है। तो होली बाइबल में ये डिस्क्रिप्शन है कैसे वो इज़राइल से होगा, फॉल्स मसीहा। कैसे इसका प्लान है, कैसे इसका गोल है इस पूरी मानवता को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करना। रिसर्च कीजिए कैसे होली बाइबल में डिस्क्रिप्शन है कि ये एंटी क्राइस्ट आते ही थर्ड टेंपल को रीबिल्ड करने की बात करेगा जेरूसलम में। और देखिए कि कैसे पिछले 1-2 सालों में ये बातें सामने आई हैं, कैसे ये ज्यूस की कम्युनिटी कह रही है कि हमारा मसीहा डोर स्टेप पे है और आने वाले कुछ समय में उसका नाम घोषित किया जाएगा। कैसे वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थर्ड टेंपल ऑफ जेरूसलम रीबिल्ड होने वाला है। तो ये सब एक रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च कीजिए और
इन सब पे रिसर्च करने के बाद आपको जो कॉमन फीचर्स निकल कर सामने आएंगी वो ये होंगी कि ज़्यादा समय नहीं बचाए। आने वाले कुछ ही सालों में एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने, ये लूसीफर कली पुरुष दुनिया के सामने होगा, और जो चाहेगा कंट्रोल करना पूरी दुनिया को, पर कल्कि अवतार उसका वध कर कर इस युग परिवर्तन के समय से निकाल कर हमें एक सत्य गोल्डन एरा में ले जाएंगे। जो इंसान मटीरियलिज्म का शिकार है, जो इंसान एक डिस्टॉर्टेड पीस ऑफ माइंड के साथ है, जो इंसान एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जी रहा है कल्कि अवतार के बारे में, वो सब इसके माया जाल में लिप्त होंगे। वो सब कल्कि अवतार को पाखंडी समझेंगे और इसे भगवान। वो सब इस युग परिवर्तन के समय में वाइप आउट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस युग परिवर्तन के समय से निकलना, तो एक एथिकल लाइफ जीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एथिकल लाइफ को जीकर हम कल्कि अवतार से कनेक्ट हो सकते हैं। हम रिसर्च करें कि ऐसा कौन इंसान है इस वर्ल्ड स्टेज पर जो विश्व विख्यात है, जो कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन है उस तौर पर हम कल्कि अवतार से जुड़े हैं और इस युग परिवर्तन से निकलकर एक सत्ययुग में जा सकें। तो ये था आज का एपिसोड कली पुरुष के डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार शेयर करें इसे अपने दोस्तों में। और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कली पुरुष के 5 डिफाइनिंग फीचर, कैसे हम उसे जान सकते हैं, कैसे हम कल्कि अवतार की सेना में आ सकते हैं, कैसे हम कल्कि अवतार के साथ खड़े हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ उन्हें हम पाखंडी समझें और इसे कली पुरुष को भगवान। तो ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।